हेलो हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एक्सप्लेन हाउ यू फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। जैसे आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 4 अपॉन 3, हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। इस वाले में हम क्या करते हैं, अगर t दिया हुआ है तो t के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, थीटा दिया हो तो थीटा के सापेक्ष कर दीजिए, मतलब आपको जो दिया हो उसके सापेक्ष पहले कर दीजिए। जब x और y अलग अलग दिया हो और आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 40 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी और दोनों साइड में टी के साथ में डिफरेंशिएशन कर दिया, टी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 4 डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 4, इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन किससे निकालेंगे, वाई इक्वल टू 4 अपॉन टी, इसको हम लिख सकते हैं 4 टी माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी साइड, ओके डीवाई अपॉन डी टी इक्वल टू 4 डी टी इनवर्स अपॉन टी, डिफरेंशिएशन जो आपका हो जाएगा डीवाई अपॉन डी टी इक्वल 4 इंटू माइनस 1 इंटू टी की पावर माइनस 2, फिर इसको हो जाएगा अपना माइनस 4 अपॉन टी। हमें वैल्यू चाहिए होंगे dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी, तो हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए dy अपॉन dt, सॉरी dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या किया, dy अपॉन dt डिवाइड किया हमने dx अपॉन dt से, तो हमारा आ गया माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा और हो जाएगा ये माइनस 4 अपॉन 4 टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको किस तरीके से निकालना है, जब हमारा दिया हो या आपका t की जगह पे थीटा दिया हो तो आप थीटा के सापेक्ष कर देंगे, कैसे देखिए, अगर क्वेश्चन दिए होंगे उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हियर इज गिवन x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 टू द पावर 4, टू बी डिफरेंशिएट दिस बाय विद रिस्पेक्ट टू t। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। क्वेश्चन नंबर फाइव, a x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, ओके तो हम फर्स्ट को लगा d इक्वल टू a sec थीटा, क्या थीटा लिया हुआ है, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अभी हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x t, यहाँ पे करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a sec थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a sec थीटा का लिखे दे रहे हैं, sec थीटा का यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्टली sec थीटा इनटू तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन, किया dy अपॉन d थीटा, इसको हम लिख के दे रहे हैं d tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, एक डिफरेंशिएशन होता है या फिर भी सेकंड डिफरेंशिएशन। अब हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, ये हमारा हो गया
अगर आप टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस में खोलना चाहें तो आप साइन अपॉन कॉस में भी खोल के सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू cos t एंड y इक्वल टू tan t, जिसमें हमारा cos और tan है लेकिन t है, तो इसमें हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। नेक्स्ट है x इक्वल टू a log t, y इक्वल टू b sin t, इसमें भी हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। ओके तो आप क्वेश्चन नंबर 5 7 तक आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर हियर इज क्वेश्चन dy / dx इक्वल टू x a t tan t y a 1 minus cos t। ओके क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वही। अब क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा 8 बताना है, इससे पहले कि आप सारे क्वेश्चन सेम है आप लगा सकते हैं, और वैसे भी हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर बहुत तरीके हैं आप लोग जैसा भी करना चाहे हम क्या करेंगे सिंपल सा तरीका भी लगा सकते हैं। x equal to a t plus a sin differentiation with respect to t of dx upon dt here is 1 t differentiation inside plus a sin differentiation okay this is here is 5.2 a minus 40 होता है माइनस साइन t, तो यार हमको वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू करनी है इसको चाहो तो ऐसा भी लिख लो, ये कॉमन ले लो बस माइनस कॉस और कौन सा वैल्यू चाहिए, ये फैक्टराइजेशन होगी तो ये तो क्या वहां पर करना है वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए साइन टी अपॉन ए प्लस माइनस कॉस। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर किसी सवाल में इसका सॉल्यूशन प्रूविंग में हो तो, यहाँ तो प्रूविंग में नहीं है तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ मान लो ऐसा क्वेश्चन कुछ बनता है तो हम आगे क्या कर सकते हैं, पहले ए से कैंसिल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 sin t/2 cos t/2 साइन थीटा का फॉर्मूला है साइन ए का फॉर्मूला। इसके बाद में हम इसमें लगाएंगे इसको वन कैंसिल करने वाला, वन कैंसिल करने वाला क्या हो जाएगा 1 minus 2 sin² θ/2 जब हाँ ये हो जाएगा, इसके बाद हम इसका माइनस खोल देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये तो आप बहुत बार लगा चुके होंगे। तो 1 और 1 कैंसिल हुआ, नेक्स्ट टर्म में 2 sin θ/2 cos θ/2 upon sin² θ/2 कैंसिल हो जाएगा, एक इसका से कैंसिल हो जाएगा तो cos θ/2 एंड x root cos 2t and y equal to root cos 2t।
क्या करेंगे, पहले किससे ऐसे लिख लेते हैं x इक्वल टू साइन टू टी होल पावर dx upon dt, इसके दो प्रोसेस हैं। अगर आपको ये होल पावर वाला ना लगाना हो तो आप लॉग ले सकते हो, अगर लॉग नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। आप साइन टू टी माइनस हाफ यही तो हो जाएगा। तो इसको हमने x मान से सपोर्ट कर दिया, फिर जिसको हम x मान से उसका करते हैं तो साइन टू टी को हमने माना x, जिसका किया तो हमारा हो गया cos 2t। अब 2t को x माना हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया साइन, इसको मान लीजिए अंडर रूट है नीचे रख सकते हैं, अपॉन रूट साइन 2t और जो हो जाएगा cos 2t। ठीक है, क्या हो गया इतना साइन 2t cos। अब इसके बाद में d x upon dt हो गया। अब इसको करते हैं cos, तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे y equal to cos 2t whole power half, whole power half हो गया, differentiation किया इसके सापेक्ष में t के सापेक्ष में दोनों तरफ हो जाएगा half cos 2t minus half into cos 2t का हो जाएगा minus sin 2t और 2t का हो जाएगा 2t। ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रूविंग होती है तो आपको वहां तक सॉल्व करके लाना है, नहीं तो आपको लगे कि हम यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं एडिटेड, तो आप सॉल्व कर सकते जे है इसकी पावर 16 है, एक है इसकी पावर हाफ है, इसको ऐड कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, माइनस हो जाएगी डेढ़ पावर हो जाएगी, ऐसे इसकी भी डेढ़ पावर हो जाएगी, फिर कॉस हो जाएगा। मैम क्या कह रहे, इसको ऊपर ले जाओगे हाफ पावर एक पावर जोड़ दो होगी थ्री बाई टू, इसको ऊपर ले जाओगे हाफ पावर जोड़ दिया तो माइनस कॉस रूट माइनस कॉस अंडर रूट कॉस अंडर रूट। इसके बाद में एक्स लेफ टी प्लस साइन टी बाई, बस सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सॉल्व करने हैं, किसी किसी में ट्रिक है बताया तो प्रैक्टिस पे है। x इक्वल टू log e t प्लस sin t, y इक्वल टू e टू दी पावर t प्लस cos, हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dt by b को डिफरेंशिएट आप इसको डिवाइड कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, there are a lots of questions based on these three types of questions। यहाँ बहुत सारे questions हैं, इसी तरीके से questions लगाते जाइएगा, आप solve करते जाइए। अब एक वो question दिया है y equal to, इसके next question है x equal to log et, मतलब base e into t, y equal to et e to the power t cos t, same as question number 10, y equal to a cos cube t एंड एक्स इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ये भी आपका हो जाएगा। आई थिंक
13 तक तो आप लोग क्वेश्चन सब लगा लेंगे, सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी 13 तक। 13 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन भी सेम है सर, ये भी देख लीजिए। चलिए 14 क्वेश्चन में क्या है, 14 क्वेश्चन में, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, x = a थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका y = a 1 प्लस, और उसमें कुछ भी करने की क्या डिस्कशन है। x = a थीटा माइनस a साइन थीटा कर देना, इससे थीटा का वन हो जाएगा, किससे साबित करेंगे यहाँ पे, डिफरेंस है ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा और साइन। और यहाँ पर भी आप ऐसे कर दीजिए, y = a प्लस a और थीटा डिफरेंस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a और थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा d y अपॉन d थीटा, तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा तो हमारे हिसाब से आप लोग सोल्व कर लेंगे, आप जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप हमसे लीजिएगा।